क्योंकि अभी के टाइम में आप इंस्टाग्राम पर कुछ इस टाइप रील तो जरूर से देखिए, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर आप भी कुछ इस टाइप रील क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है रील वायरल होने के, क्योंकि कंटेंट अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको इस कारण की अपने इस टाइप रील को एडिट कर सकते हो एंड कैसे अपने रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो से पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सारा कुछ बिल्कुल सिंपल स्टेप में बताने वाला, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसका करना आपको अपने VNF को ओपन कर लेना है। तो ऐसे ओपन करेंगे और आप इसे प्ले स्टोर पर जाकर बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, तो क्लिक करेंगे और ऐसे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो गाइस यहां पे क्लिक कर देंगे। देन आपको जाना है फोटो वाला ऑप्शन है और गाइस आपको ऐसे अपनी 12 फोटो चूज कर लेनी है। ठीक है, 12 फोटो, तो मैं ऐसे फटाक से फोटो चूज कर लेता हूँ। सो गाइस यहां पे फोटो चूज हो चुके हैं। देन आपको पे एरो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा। और गाइस यहां पे हमारे फोटोज भी आ चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को फ्रेम सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पे इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपका पे टिकटॉक वाला रेशियो चूज कर लेना है, जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए भी करते हैं। ठीक है, एंड देन क्या करना है, आपको यहाँ पे साउंड एड करना है। तो उसके लिए आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे साउंड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। एंड आपका पे आइकन दिख रहा हो बिल्कुल छोटा सा प्लस वाला, तो वैसे आप क्लिक करेंगे और आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे, तो वैसे आप क्लिक कर देंगे। बहुत सिंपल है यार। और आपको एक वीडियो मिलेगी जो साउंड वाली, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे चूज। सो वैसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। देन आपको पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, तो इसका जो साउंड होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आ चुका सबसे ऊपर। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे इसे चूज और वैसे आप राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इतना काम कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे साउंड में बीट लगानी पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको साउंड पे क्लिक करना है। तो गाइस क्लिक करेंगे और आपको पे इस बीट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सो गाइस देखो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से बीट लगानी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 11 बीट लगानी है। तो आपको यहाँ पे बीट कैसे लगानी है पहले मैं आपको वो बताया। सो गाइस जैसे मुझे यहाँ पे एक बीट लगाना है, तो क्या करना, आपको सिंपली रेड वाले पहले पे एक बार क्लिक कर देना, तो आपकी एक बीट लग जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको बीट को डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके बहुत इजिली डिलीट भी कर सकते हो। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बीट लगा के रखी है। ठीक है, एंड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगी पहली बीट कहाँ पर, दूसरी बीट कहाँ पर, तीसरी बीट कहाँ पर है। तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो और जब आप अपनी कोई रील एडिट करोगे तो आप इसमें देख देखिए अपने रील को बहुत इजीली एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको आप इस बीट लगा देनी है एंड यहाँ से राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो बस अभी क्या करना है, आपको अपने फोटोज को बीट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो पहले ऐसे जूम कर लेंगे एंड क्या करना है, आपको पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है। तो बस क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे अपने बीट के नीचे लाके रख लेना है। सो बस यहाँ पे बिल्कुल बीट के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे सेम ऐसे करना, आपको फोटोज पे क्लिक करना है और आपको बीट के नीचे लाके रख लेना है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पे बीट के नीचे आ चुके हैं, आप अभी देख सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे सेम ऐसे करना है। ठीक है, जिससे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे फटाक से फोटो को एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारे फोटो एडजस्ट हो चुके हैं एंड आपको यहाँ पे लास्ट में वाटरमार्क मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री फंड में। तो गाइस आपको उस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है, इसका आपको कोई काम नहीं है। सो अभी क्या करना है, जो सबसे ज्यादा मेन काम, मतलब सबसे ज्यादा मेन काम है, ऐसा आपको यहाँ पे इफेक्ट लगाना है। एंड आपको यहाँ पे इफेक्ट कौन कौन से लगाना है, वो सबसे मेन चीज होती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, सो क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे और ऐसा इफेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। गाइस आपको यहाँ पे व्हाइट वाला इफेक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, व्हाइट वाला, और पूरे फोटो पे अप्लाई करके राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सो गाइस देखो आपको यहाँ पे शुरू के जो 5 फोटो है ना, गाइस आपको यहाँ पे व्हाइट वाले इफेक्ट सब में लगा लेना है। ठीक है, 5 फोटो में, शुरू वाले में। तो जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अगले वाले पे जाएंगे, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट वाले चूज करेंगे, पूरे फोटो पे अप्लाई करेंगे, राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले फोटो पे जाएंगे, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट वाला चूज करेंगे और पूरे फोटो पे अप्लाई करके राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे अपने शुरू के 5 फोटो व्हाइट वाले इफेक्ट लगा लेना है। फिर अगले वाले पे जाएंगे, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, व्हाइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर आपको अगले वाले पे जाना है, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, व्हाइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और ऐसे कर लेंगे चूज और यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारे शुरू के 5 फोटो में ये लग चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे 6th फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, मतलब 6ठी फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन जाएंगे और गाइस आपको यहाँ पे जिटर डाउन वाला लगा लेना है। ठीक है, जिटर डाउन, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरे फोटो पे अप्लाई करके राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सो गाइस देखो आपके यहाँ पे लास्ट वाले अब जितने फोटोज है ना, जितने फोटोज हैं गाइस, आपको यहाँ पे सब में जिटर डाउन वाले इफेक्ट चूज कर लेना है। सो जैसे जैसे नेक्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन जाएंगे और यहाँ से जिटर डाउन वाले इफेक्ट चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे सेम ऐसे करना है। ठीक है, लास्ट वाले आपके जितने फोटोज हैं, आपको यहाँ पे सब में जिटर डाउन वाले इफेक्ट चूज कर लेना है। तो मैं ऐसे फटाक से चूज कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे इफेक्ट भी लग चुके हैं। तो गाइस अभी क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है। तो देखो वो कैसे कर सकते हो आप, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको साइड में जाना है सबसे नीचे, और आपका पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जूम वाला। ठीक है गाइस, आपको पे दिख रहा होगा ये वाला, तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और गाइस आपको यहाँ पे मूव लेफ्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, मूव लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट वाले पे जाएंगे और यहाँ से जूम वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर गाइस आपको यहाँ पे कर लेना है मूव राइट वाला। ठीक है, मूव राइट वाला, और यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। देन गाइस आपको
कहाँ पे जाना है, अगले वाले फोटो पे यहाँ पे जाएंगे, जूम वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और आप कहाँ पे फिर से मूव लेफ्ट वाला चूज कर लेना है और फिर यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। देन आपको जाना है अगले वाले फोटो पे, यहाँ से जूम वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइस आप कहाँ पे फिर से कर लेना है मूव राइट वाला, ठीक है, यहाँ पे मूव राइट कर लेंगे और यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर आपको जाना है नेक्स्ट वाले पे और ऐसे सिर्फ जूम वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइस आप कहाँ पे फिर से मूव लेफ्ट वाले चूज कर लेना है। तो गाइस आपको शुरू के पांच फोटो में यही करना है, ठीक है, पहले आपको मूव लेफ्ट लगाना है, फिर आपको मूव राइट लगाना है, ठीक है, आपको वहाँ पे सेम ऐसे करना है पांच फोटो में शुरू वाले एंड ऐसे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो गाइस फाइनल वीडियो बन के रेडी हो चुके हैं एंड अभी इसको चला के देखते देखते कैसे बनी है। सो गाइस आपकी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका था, एक लाइक तो बनता है। सो गाइस अभी क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में सेव ही करनी है, तो उसका आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपकी गैलरी सेव हो जाएगी। गाइस मैंने जो आप म्यूजिक वाली वीडियो का यूज किया तो गाइस इसे हमारे टेलीग्राम से बहुत ईजिली जाकर डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो गाइस अगर वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।